धन लगाकर उस आंदोलन में समर्पित करते हुए आज हम लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की टिकट से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ भवानी जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रयागराज से टिकट दिया गया है। आज की जो मूलभूत जरूरत है आम लोगों की, वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। कहीं ना कहीं अगर अच्छा, आप ये बताइए कि इतना बड़ा सीमा है और आपने इतने वायदे किए कि फसलें यहाँ जो है लोग आवे खरीदने और यहाँ नौकरियाँ फैक्ट्रियाँ, एक संसद की तो एक लिमिट है, उसके बाहर से आप कैसे करेंगे? वहाँ से कैसे करें, केंद्र से ही आता है सारा। केंद्र नहीं आता तो है, एक सांसद की तो एक लिमिट है ना, सांसद की अपने संसदीय क्षेत्र के लिए तो होगी ना, उसके अलावा फिर कहाँ से आएगा? कोशिश की जाएगी, वो चीजें करनी पड़ेंगी, कोशिशें वहाँ तक जाएंगे। आज तक कोशिशें तो नहीं हुई, 70 साल से कोशिशें होती इलाहाबाद की बातें उठाने की, तो आज ये सब चीजें होती वहाँ पे। वैसे एक बात बताइए, 1734 बूथ है पूरे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, 1734 बूथ में तो आम आदमी पार्टी के तो बूथ अध्यक्ष भी नहीं है। जब इतना संगठन कमजोर है तो किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपको लगता है कि कुंभ मेले में आपका कैंप लगा, मीडिया ने आपको ज्यादा महत्व दिया, वो जनता उसी हिसाब से आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, 12.5 लाख पब्लिक थी कुंभ लगने के पेशवाई के समय मेरे, उसी विश्वास पे हर एक प्रयागराज वाला मेरा अपना है और उसी विश्वास पे आम पार्टी के हर एक कार्यकर्ता 10 के बराबर एक। मेरा एक सवाल और है, 12.5 लाख लोग आपके उसमें थे, आपको उम्मीद है कि 12.5 लाख लोग आपको वोट देंगे, और जिस दिन उन लोगों ने वोट नहीं किया, परिणाम के दिन फिर ये किन्नर अखाड़े का जो महत्व बना हुआ है वो किस धरातल पर जाएगा, इसका आपने कभी सोचा? देखिए, किन्नर अखाड़े से पार्टी में आने से पहले भी महामंडलेश्वर हूँ, जब भी समाज के लिए दुआ कर रही हूँ, सांसद बनूंगी तब भी दुआ करूंगी, नहीं बनूंगी तब भी महामंडलेश्वर रहूंगी। धर्म का पीछा तो नहीं छोड़े, धर्म का साथ तो नहीं छोड़ रही मैं। नहीं नहीं, वो जो आस्था बनी है लोगों में वो कहाँ चला जाएगा? तो यानी कि राजनीति के गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। यानी कि इतने सारे जो नेता है वो इस लायक नहीं, तो उनको राजनीति बनना चाहिए। तो साधु महात्मा को राजनीति में जाने का? योगी जी तो है, उनसे भी हम लोग यही पूछते हैं कि आपको आखिर क्या जरूरत है? उनसे जब आप मिला, आप लोग एक घर पालते, औरत आदमी घर पालता और एक घर तक रह जाता है, एक संत पूरा समाज पालता है, एक संत पूरा समाज पालता है, और आप एक घर पालने वाले अपने घर और परिवार तक सीमित रहते हो। हम संत हैं और ऊपर से किन्नर है, तो मेरा पूरा समाज मेरा है, तो मेरे को एक दायरे में नहीं बांधना। मेरा फर्ज, जब दुआ देने का फर्ज है तो इनों की सुविधा दिलवाने का मेरा हक बनता है। मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि मैं एक परिवार होती, एक मैं औरत होती या आदमी होती, परिवार में होती, मैं किन्नर हूँ। मैंने कभी जात देख के दुआ नहीं दी, कभी मैंने छोटा देख के दुआ नहीं दी, कोई अमीर देख के दुआ नहीं दी, मैंने इंसान देख के दुआ दी। हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा मेरी गोद में से जाने के बाद आपकी गोद में जाके बना, हमने नहीं बनाया। तो जिन बच्चों को दुआ दी आज वो बेरोजगार ढोलते हैं, तो हमारी दुआ लगती है, छुट्टी हो रही है। वैसे इलाहाबाद के लिए आपके पास मुद्दे क्या हैं, और इलाहाबाद में आप अपनी लड़ाई किससे मानती हैं, भाजपा से, कांग्रेस से, या जो है फिर अपना बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है, त्रिवेणी का घाट होके यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शिक्षा की यूनिवर्सिटियाँ होने के बाद भी बच्चों को अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलती है, फॉर्म भरे जाते हैं, छात्रों को अच्छी एजुकेशन पा लेते लेकिन कभी कोई घोटाला हो जाता है, कभी फॉर्म भरे जाते हैं तो कभी ऑडिट लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे। ये सबसे बड़ी मेरा मुद्दा है, मेरा युवा कामयाब होगा इसमें मेरा छोटा स्वार्थ भी है। आज मेरे युवाओं के पास नौकरी नहीं तो मैं आने वाले किन्नर मांगेगा किससे, ये भी सोचा है आपने? तो मेरे आने वाले आज तो किन्नर समाज जो है राजनीति में जा रहा है, अधिकारी बन रहे हैं, तो मांगने तक क्यों सीमित रखना चाहती हूँ? पंडित मेरा घंटे भी बजा रहा है, ऑफिसर भी बन रहा है, किन्नर किन्नर ही रहेगा, युवा किन्नर फिर भी करेगा जो ऑफिसर बन जाए, किन्नर नहीं बदलेगा। इस समाज में, इस गोल बिल्डिंग में जाके अच्छे अच्छों को ताली बजाते देखा है,
लेकिन किन्नर ये नहीं कि अगर मैं मर्द बनूं किन्नर ही रहूंगी या फिर जवान। अरे मैडम, हम आप लोगों को उस निगाह से देखते नहीं है। आप लोग बार बार उसी शब्द का ना इस्तेमाल करें, आम पब्लिक की बात। आम पब्लिक के लिए तो आ रही हूँ, पब्लिक कौन है? मैं पब्लिक में से आई हूँ, मेरे में से पब्लिक नहीं आई है, ये सोच लेना। मैं पब्लिक में से आई, मैं आप लोगों में से आई, मेरे में से आप नहीं आए। मैं उस जगह अपने को इतना काबिलियत कर जाना चाहती हूँ कि मेरा जैसा बच्चा छुरा ना है, शर्मिंदा ना हो किसी घर में मेरे से किन्नर पैदा है तो भागने के लिए ना जाए। अच्छा तुम मेरे जैसे यहाँ पे नहीं आएगा तो भागने कहाँ जाएगा, जो आप लोगों के बच्चे बेरोजगार है। क्या आपके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे आम मुद्दे हैं, मैं आम पार्टी से हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, जो आम इंसान को जरूरतें हैं वही मेरे मुद्दे हैं। क्या वजह रही कि आप यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रही हैं? देखिए, हमारा इतिहास इलाहाबाद से बदला है, धर्म के क्षेत्र में तो राजनीति क्षेत्र से भी इलाहाबाद ही होना चाहिए। क्या करना चाहती है, क्या बदलाव लाना चाहती है? देखिए, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जिन चीजों के लिए नीति बनती है और नियत नहीं बनती, नीति बनती है नियत नहीं बनती, और नीति लागू करवाना चाहती हूँ कि भाई मेरे समाज के लिए बिजली पानी नौकरी अस्पताल ये सब चीजें मिल जाएं, टाइम से मिल जाए जो उनकी होनी चाहिए, तो हमें और किस चीज की जरूरत है? हम नेताओं से यही तो मांगते हैं। किससे लड़ाई है आपकी? क्या मानती है, किससे लड़ाई है? मेरी बेरोजगारी से लड़ाई है। क्या क्या समस्याएं हैं इस सीट की? क्या इस देश के, देखो हमारे यहाँ पे इतना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नाम है, इतने बच्चे यहाँ से एजुकेशन पास करते हैं, लेकिन उतने उन्हों को वहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो नौकरियाँ ले कहाँ? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हर एक कोई कहता है कि हम इतनी नौकरी देंगे, कोई इतनी नौकरी देंगे, करते 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 कभी चाय पे, कभी चौकीदार पे, कभी पप्पू पे और कभी घोटालों पे, यहीं तक राजनीति रह जाती है। लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिलती है। आज आप जुलूस भी निकालने वाली थी, जुलूस क्यों नहीं निकाला? महापुरुषों की मूर्तियों पर जाने वाली थी आप? ऐसे है कि देखिए, कुछ हमारे कानून का संविधान का हम भी इलाज करते हैं, और वहाँ पे कोई सर्वे था वो जो नहीं चल पाया, उन्होंने बोला कि आपको 48 घंटे में, 3 दिन से मेरे कार्यकर्ता जितने भी ऐप सुविधा है उसको करने का था कि वहाँ से होएगा, और 3 दिन से आम पार्टी का एक एक सैनिक लगा हुआ था और वो नहीं हुआ, तो हम आचार संहिता की और इस संविधान की वो करते हैं, वो नहीं मिला, हमें परमिशन मिलेगी हम फिर निकालेंगे। आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन आएगा आम आदमी पार्टी से, और क्या आपके किन्नर अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है लक्ष्मी नारायण जी भी आएंगे? बिल्कुल, हर एक समय पे एक एक जना आएगा और समाज को समझाएगा कि किन्नर का भी अब पार्लियामेंट में जगह होनी चाहिए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, भरोसा करके यहाँ भेजा है तो वो आएंगे। आप लोगों ने जब कुंभ के पहले एक तरह से जुलूस जो निकाला था पेशवाई कर सकते हैं, उसमें जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, लगता है कि वही जो है टर्न आउट आपको चुनाव में भी मिलेगा? देखिए, बिल्कुल होगा, हम आशावादी, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि आज से इतने सालों से यहाँ पे 13 अखाड़े जुलूस निकालते थे और इतनी बड़ी पब्लिक नहीं कर पाए। किन्नर अखाड़ा पहली बार जुलूस निकाला, अपना पेशवाई निकाला, अपनी निकला, किन्नर अखाड़ा पहली बार नामांकन भरने जाएगा और पूरा प्रयागराज दिल खोल के उसके स्वागत में खड़ा होगा। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने अमर्यादित बयान दिया और भगवान
श्री रामचंद्र को अपने बराबर बताया कि अगर भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति स्थापित हो सकती है तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं स्थापित हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने अपनी बराबरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सब हम सभी के आराध्य हैं उनसे बराबरी की है, तो हम लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लोगों ने आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर पुतला दहन करके विरोध जताया है कि हम ये कत्ताई बर्दाश्त नहीं करेंगे और रोड पर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। निशान दस्त होगी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय हिंदू संगठन आगे भी करते चुनावी दूर है पर आपसे मेरा गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि 12 तारीख मई को इतनी बड़ी संख्या में निकलिएगा कि पूरी दुनिया लोहा मान जाए कि 12 ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से भाजपा को जिताया। कांग्रेस का भी सफल आयोजन किया जिसमें कि हम लोगों ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत सारी स्पेशल ट्रेन लाई है और बहुत सारे इंतजाम किए हैं, उनके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी समय से पहले हम लोग बीच पढ़ते रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई विशेष सवाल पूछना हो तो उनके बारे में तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये इलाहाबाद मंडल का जो परफॉर्मेंस है पिछले वर्ष की उससे हमने आप लोगों को रूबरू कराया और ये जो परफॉर्मेंस है ये कागज़ भी हम अभी आप लोगों को बंटवा रहे हैं, आप लोगों को उसको पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं। समय में सारी ही लेवल क्रॉसिंग खत्म होनी है, सभी लेवल क्रॉसिंग पे या तो अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज सैंक्शन है और जैसा आप लोग जानते हैं कि जब गाड़ियां भी चल रही होती हैं उसी समय निर्माण का कार्य बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हम लोग को ब्लॉक लेना पड़ता है, कॉशन लेना पड़ता है
तो फेज मैनर में निर्माण का कार्य चल रहा है और पिछले साल हम लोगों ने 33 अंडर पासेस बनाए हैं, कुछ आरओबी भी बनाए हैं, ग्रेडर लॉन्चिंग भी हुई है। तो धीमे धीमे करके जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं इनको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग नहीं केवल अनसेफ होते हैं बट वो रेल यातायात में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, ऐसे में स्टेशन का नाम भी प्रयागराज किस वजह से रुका हुआ है और कब तक दिल्ली रहेगा? इलाहाबाद स्टेशन का नाम और इलाहाबाद क्षेत्र के जो अन्य स्टेशन है जैसे इलाहाबाद चुंकी है या और स्टेशन हैं हमारे ज्वाइनिंग रेलवे के, इनका नाम बदलने के लिए जो प्रस्ताव है वो रेलवे बोर्ड भेजा गया है। रेलवे कितना फायदा हुआ है कुंभ के दौरान? करीब करीब 70 लाख के आसपास हम लोगों का असेसमेंट है कि 60-70 लाख, क्योंकि इसका बहुत कोई कंफर्म फिगर नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा जो फिगर मिली है उसके अलावा करीब 60-70 लाख यात्रियों ने आउटवर्ड जर्नी करी है, जो कि यहां से जिनको हम लोगों ने निकाला है, और करीबन 800 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई हैं हम लोगों ने इस पीरियड में। तो इलाहाबाद डिवीजन अभी जो साल हम लोगों ने खत्म किया है और बहुत ही एक पॉजिटिव नोट पर खत्म किया है और अभी आने वाला जो साल है इसमें भी और जबरदस्त काम करना है। क्रॉसिंग्स को लेकर के क्या लक्ष्य लिया गया है जी? क्रॉसिंग्स को जो रेलवे लाइन जगह जगह बनी जो हम लोगों का ट्रंक रूट है जो कि गाजियाबाद से दीनदयाल उपाध्याय तक का है, ये करीब जो 750 किलोमीटर का हम लोग का सेक्शन है। रेलवे इलाहाबाद मंडल की परफॉर्मेंस 2018-19 जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें बहुत ही उत्तम रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे साल में कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट इलाहाबाद मंडल में नहीं हुआ, जिसके लिए हमारे जितने भी 28,000 कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं बहुत ही शाबाशी का पात्र हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इलाहाबाद मंडल में नंबर ऑफ ट्रेन्स पर डे का बेस्ट एवर रिकॉर्ड कायम किया है और हम लोगों की जो डेली एवरेज है वो 609 गाड़ियां हम लोगों ने एक दिन में एवरेज के हिसाब से चलाई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मालगाड़ियां हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, जो डेली मालगाड़ियां चली हैं जिसको कि हम थ्रूपुट बोलते हैं, इसकी वजह से माल ढुलाई होती है और रेलवे की अर्निंग होती है। इसमें भी हम लोगों का जो बेस्ट एवर रिकॉर्ड है उसको कायम किया है। जो ओवरऑल अर्निंग है उसमें करीब 7% का इजाफा हुआ है, पैसेंजर अर्निंग में करीब 10% का इजाफा हुआ है, टिकट चेकिंग अर्निंग जो हमारे जो कमर्शियल स्टाफ हैं जो टीटी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और 70 करोड़ के ऊपर करीब 71 करोड़ रुपए उन्होंने एक साल में रेलवे को अर्न करके दिए हैं। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस है और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कुंभ मेला 2019 में भारतीय रेल एनसीआर और इलाहाबाद डिवीजन की एक महत्वपूर्ण भागीदारी रही है कुंभ मेले के आयोजन में। इसमें रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बारे में मैं दोबारा बखान नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, बहुत स्पेशल ट्रेन चलाई गई और हमारे जो आरपीएफ के जवान हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया। ऑल इन ऑल आप सभी लोग इस सबके बारे में जानते हैं तो मैं कुंभ मेले के बारे में फिर से दोबारा कितना हो सकता है कितने लोगों ने सफल कोई अच्छी खबर आएगी हम आपको सूचित करेंगे।